सामाजिक संगठन है चाहे किसान संगठन है, कोई भी है चाहे, हमारी सबसे ये अपील है एक मत होगा इस एसवाईएल के मामले पे, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे, दरख्वास्त लगावे, अगजी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम ये अपील को एक उससे नहीं कर, हरियाणा के जितने कलाकार भाई हैं उनते भी, जितने खिलाड़ी भाई हैं उनते भी, जो भी है उन सब से हम ये एक अपील कर रहे हैं। एक बात, पहली बात तो है ये, फिर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं अभी जनवरी में तारीख है और सुप्रीम कोर्ट मैं हम सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, अक बताओ भाई हरियाणा प्यासा है और प्यासा हरियाणा को, ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि दिंगा मस्ती वाली बात है, पंजाब की पब्लिक, पंजाब के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि हरियाणा छोटा भाई उनको पानी मिले, लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर बिल्कुल नहीं चाहते कि हरियाणा को पानी मिले। 10 लाख लोग, सॉरी 10 लाख एकड़ जमीन किसानों की बंजर पड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे रिपोर्ट है, रिसर्च की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की है। 40 लाख एकड़, 40 लाख टन अनाज उसके ऊपर उत्पादन हो सकता है। 60% हरियाणा के जो लोग हैं वो हाई टीडीएस पानी पी रहे हैं, हाई टीडीएस, जिसकी वजह से, क्योंकि 75% पानी है बॉडी, 75% बीमारियों का कारण भी, कोई गंजा हो जाए टाइम तक, पहले किसी के बाल धोले हो जाए, कोई पेट काट गया है, किसी का कोई पतला हो जाए, किसी का पेट खराब रहे, अलग अलग 20 डाल की बीमारी, किसी का लीवर, किसी का पीलिया, और सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है हमारी माताएं बहनें, क्योंकि पानी उन्हें लेना पड़ा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है बच्चे। तो भाई इसमें हमारी यही अपील है, और इस आंदोलन में सबसे हम तो ये कह रहे हैं, ये कोई हमारा एकला आंदोलन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए ही हम सब लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। अब इसमें, इसके अलावा हम ये भी काम करेंगे, एक अलग अलग जगह जाकर देखेंगे भाई टीडीएस जो है हरियाणा के लोगों का पानी का, आप लोगों से भी अपील है, जाकर पता कर लो, पता चल जाएगा। कोई दारू नहीं मांग रहे हैं, कोई दूध नहीं मांग रहे हैं, दारू या दूध नहीं मांग रहे हैं, हरियाणा का हक है जो एसवाईएल का पानी है वो मांग रहे हैं हम किसी से। अब यहां 5 तारीख को, 5 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब आ रहे हैं रोहतक में शपथ दिलाना ताई, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब आ रहे हैं शपथ दिलाना ताई। तो भाई उनसे सवाल तो पूछेंगे हम, जबर इन तो पूछे नहीं हुए उन तो पूछेंगे, एसवाईएल पे सवाल तैयार करके लेके आवे, ये कौन है चल रहा है, प्रधानमंत्री देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधी नु कह रखी है पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, भगवत मान साहब किस मुंह से किसको शपथ दिलाना रहे हो, गद्दारी की शपथ दिलाना रहे आगे केजरीवाल साहब है, 5 तारीख को रोहतक में बताओ बोला शपथ दिलाना रहे हैं, वहां पंजाब में कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे हम, एक बूंद ये कहते हैं, वह कोई सा तो वीडियो होगी दिखाइए हमने, एक बूंद पानी ना देने वाले हाँ कहनू कह रहे हैं अक शपथ दिलावांगे। तो भाई कौन सा शपथ दिलावांगे, हमारा तो समझ में आ नहीं रही, किस मुंह ते पंजाब के जो मंत्री आवे हैं राक है गोल मोड़ बात कर जा, स्पष्ट करो इस बात ने, हक हरियाणा का हक है कि नहीं, मामला राजनीतिक नहीं रह रहा भी हो, किसी को पागल फद्दू मानने की जरूरत नहीं है, हम है अड़े, ये मामला न्यायिक है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट नु कह रहा है, अक भाई पानी जो है स्वाइल का जो नहर का निर्माण है वो हरियाणा का हक है। तो भाई हरियाणा की मैं तेने को भगवत मान साहब आपका तय ससुराल भी है, तो ससुराल जब है तो इतना तो वैसे भी सोचनी चाहिए आपको, आख यहां की जो हमारी माताएं बहने हैं वो पानी के लिए दुखी रहे हैं,
और आप पानी नहीं दो, आप ये कह रहे हो पानी नहीं दूंगा एक बूंद। हरियाणा के जो किसान है वो किसान नहीं है क्या भाई? अब पानी नहीं देंगे एक बूंद? क्यों नहीं रहे? सुप्रीम कोर्ट तो बड़े हो गए, मुख्यमंत्री तो हो गए तुम्हें, अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, हम ये चाहेंगे कि वो अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट करें। 5 नवंबर को जो रोहतक का प्रोग्राम है, उस रोहतक के प्रोग्राम में हम सवाल पूछने के लिए जाएंगे, और सवाल सिर्फ इतना ही है, जवाब सिर्फ इतना ही चाहिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो, इतनी जरूरत है और कहें कि जरूरत नहीं है इसमें नहीं। दूसरे बात जो खुद कही है, खुद की बात बताऊं मैं, ये खुद उन लोगों ने बयान दे रखे हैं, खुद के जो बयान हैं वे बयान आप लोगों ने वैसे भी देख रखे होंगे हरियाणा, लेकिन जब एक बूंद पानी नहीं देने की बात कर रहे हैं, लोग आड़े मर रहे हैं पानी के बिना, हरियाणा प्यासा है, तो ये बड़े भाई का ये फर्ज नहीं होता है और एक निष्पक्ष आदमी का ये बिल्कुल फर्ज नहीं होता है अक वो अन्याय की बात करे। और जो ये कह रहे हैं संविधान न मानना, तो संविधान नहीं तो भाई सुप्रीम कोर्ट स्थापित करा होगा ना, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मानोगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, उस बात को लेकर हम भाई मारा था, यो जो मामला है यो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के श्यामी है। अगर भाई सुप्रीम कोर्ट के श्यामी जो बात है, उस बात को हम ताकि अच्छी लड़ा बता सकें, लोग तभी बता सकें। अक भाई सीधी ही बात है, हरियाणा आड़े अपना हक ले करेंगे, हम ना दबे कत्ती चाहे, ना तो हमें भगवत मान साहब से, केजरीवाल साहब से ना तो दारू मांग रहे हैं ना दूध मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं पानी हक। और हड़े आवे हरियाणा में तो पानी भी अपना, मेरे ख्याल में भगवत मान साहब को फिर पानी अपना ही ले आइए, हड़ा हरियाणा का पानी भी पी क्या दिखी हो भाई, जो भी दिल्ली तो अपना पानी ले आइए अपनी बोतल में, हालांकि इनके तो सारे काम उसे पानिया तो हैं भाई, सवाल तो इस बात का है ना। अगर भाई जो गरीब आदमी है या जो हरियाणा के लोग हैं तो वो किस तरह से दुखी हैं। इसके अलावा उसमें दे रखा है अक्षपत के नाम है, ये देख सतलुज बच जाए, सतलुज एक नदी एक छोटा नाला बनता जा रहा है, ये तो इनकी इनकी कह रखी इनने, आप लोगों के पास वैसे भी होंगे खरीद में, ये एक एक सेकंड होल्ड करियो, मैं अपना भी दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा अभी एक मान साहब की अभी की स्टेटमेंट भी है, मान साहब की भी है, इस स्टेटमेंट में आप अगर देखोगे तो क्या कह रहे हैं वो देखो, कितनी गजब बात है कि किस तरह से हमारे को ये ये एक बार फिर देखो, एक बार एक मिनट, ये देख लिया भाई, ये कह रहे हैं ये अक भाई महाराज है, ये के नाम है, सोच भी ना सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है साहब, इन्हू का है हम सोच भी नहीं सकते, सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में, ये फिर दोबारा दिखाऊंगा, तो वही ये खिलाफ है, ये देखो सुन ली ना, सुन ली, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े मानने अपने आप ने ये, तो भाई या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ये नुके दे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने चलाने की जरूरत है, या इसका ताला ला दो, बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट ने, जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जाएगी तो फिर इस चीज का फायदा क्या है। तो भाई ये जो आ रही है शपथ दिलाओगे, शपथ सुनियो भाई, एक भाई ये क्या कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, शपथ दिलाओ है, सुनो क्या ये शपथ जो लेनिया है और जिनको दिलाए जा रहे हैं हरियाणा से गद्दारी करेंगे क्या, ये हरियाणा से गद्दारी की शपथ है? तो भाई शपथ या दिलावा या नोट कर लियो, एक भैया शपथ केजरीवाल साहब, मान साहब,
मुख्यमंत्री जी ध्यान तय सुनियो, या शपथ, या शपथ है या शपथ लेव सारे के सारे हटा के, हरियाणा से गद्दारी को ना चल रहा है। शपथ के भाई हम हरियाणा के हक्का पानी लाएंगे, ठीक है भाई? शपथ यार हम SYL का पानी लेकर आवेंगे, या शपथ दिलाओ? गलत है भाई, ये क्या भगवत मान साहब है, केजरीवाल साहब है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, ठीक है भाई? गलत बात नहीं इसमें, हम SYL पर दलाली नहीं करेंगे, या शपथ लो है SYL पर दलाली नहीं करेंगे। फिर भाई एक है शपथ लवा, हम दो अगली बात नहीं करेंगे, पंजाब में जाके किमर, हरियाणा में आके किमर नहीं कहेंगे, या शपथ गलत था भाई? हम हरियाणा की अपनी माता बहनों के लिए जो गंदा पानी है उसकी बजाय SYL लाकर उनको शुद्ध जल उपलब्ध कराओगे, होनी चाहिए भाई? होनी चाहिए। हम हरियाणा के 10 लाख एकड़ बंजर जमीन पे जो किसानों की है उसके लिए पानी लेकर आवेंगे, होनी चाहिए भाई शपथ? फिर भाई हरियाणा की 60% जनता, हरियाणा की 60% जनता जो अशुद्ध पानी पीवे है वो ना पीवे, उसके लिए SYL का पानी लेकर आवेंगे। और भाई इसमें आ गए, अगर हम ये शपथ नहीं लेते हैं तो हम हरियाणा के गद्दार हैं और जनता हमारे को जूतों की माला से स्वागत करे, झाड़ू तक पीटते बेच सक, कोई प्रॉब्लम। अगर ये शपथ नहीं लेते हैं, और मैं उन हरियाणा के लोगों को, साथियों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्ग सब तक कहूंगा, अपनी अंतरात्मा की बात हर लोग तक कहूंगा, सवाल पूछो इस बात का, पंजाब में नुक एक बूंद नहीं देंगे, खून बहा देंगे, और हाड़ा के नुके हैं हमें, नू करेंगे है? तो भाई ये बात है, ये शपथ ग्रहण समारोह इनका 5 तारीख का, उसमें सवाल पूछने जाएंगे, और सारी पार्टियां थे, सारे नेताओं से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सारे कलाकार, सारे खिलाड़ी सब थे जो भी हैं, उन सब से हम तो भैया ये बात कहें, अख जो ये SYL का पानी है इसके लिए सब ने लड़ना पड़ेगा, और सारी पार्टियां ने ये दोगली बात, दोगली बयान ये नहीं चालन देंगे भाई, सीधी बात है। और इसके अलावा आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस भी है, करवा चौथ है, तो करवा चौथ है आज, तो हमारी जितने भी सारे पति हैं जिनका ब्याह हो रहा है उनसे एक रिक्वेस्ट है, आज वो अपनी पत्नी को, बीवी को ये वचन देगा, अगला जो व्रत हुआ करवा चौथ का वो SYL के पानी ते तड़वाओगे, इसमें तो कोई बात नहीं, पत्रकार भाई आज करवा चौथ है, जितने भी पत्रकार भाई हैं, जितने और भी लोग भी हैं जो जिनके ब्याह हो रहे हैं, आज जब उस छालनी में देखें तो ये अपनी बीवी को, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कष्ट उन्हीं को होता है, उनको ये कहें अगला करवा चौथ जब भी आएगा SYL के पानी से व्रत तड़वाओगे, और जितनी भी पत्नियां हैं वे अपने पतियों को जरूर ये बात कहें, अगली बार व्रत तोड़ेंगे तो SYL के पानी ते तोड़ेंगे, अरनाथ फिर देख लियो, गलत बात नहीं है, सही है, सही है। और ये हमने स्पेशल बनवा रखी थे भाई। इसके अलावा हम लोगों से एक अपील करते हैं, अब दिवाली के ऊपर, दिवाली पे एक दिया, सब अपना घी का एक दिया SYL के नाम का लाओ, और इस चीज को लेकर मैं सारे हरियाणा के लोगों से कह रहा हूं, और पूरे हरियाणा में इस कैंपेन को लेके जाएंगे, अरे भाई वो दिया है SYL का, SYL का एक दिया दिवाली पे जरूर लावे, अरे भाई यो के नाम है, ये छालनी भी है, ये आप लोग जिसकी शादी हो बेसक ले जाइयो, ये देखिए SYL लड़ा छालनी है, आज तक करवा चौथ है, आज शाम को यूज है ना, ये शाम को यूज हो जाएगी, ठीक है? तो भाई ये भी है, अरे भाई ऑटो देखा, ये रहे दूध दही का खाना, दूध हम ले रहे हैं, या दही है भाई, दूध दही का खाना है, अरे भाई ये जो पेंडे धर रखे है ना, ये पेंडे न्यू है, पानी को ना,
और ये जो कस्सी दर रखी है और ये सारे किसान ये जो छोटा है, ये सारी जो भी चीज है, इन सब चीजों को हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई हरियाणा के लोगों का के साथ जो अन्याय हो रहा है, और पूरे हरियाणा वाले बोध देता है नहीं भाई, और ना हरियाणा वाले किसी से दबे आ रहे हैं, तो भाई हरियाणा के हर उसको और पंजाब के उन भाइयों को किसानों को जो हमने छोटा भाई माना है, उनसे रिक्वेस्ट है पंजाब के उन लोगों से आपको अपनी सरकारों को अपने नेताओं को कहें आपका छोटा भाई तसाया मरा है, पैसा मरना लग रहा है, ये पाप मत करो। और ये मैं बता देना चाहता हूँ इन सरकारों को सिस्टम को कि पंजाब में अगर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं तो हरियाणा में भी हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, और पानी का पतला कुछ नहीं होता, पानी पीने का तो धर्म है, हर धर्म है, हर धर्म में ये कह रहे कि ये पानी पहली चीज है। तो भाई ये जो सारा मामला है इसको लेकर हमें पूरे हरियाणा में ये कैंपेन चलाओगे, जनवरी में ये डेट है सुप्रीम कोर्ट की, और हम तो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं भाई, और हम अपने हक और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, निष्पक्ष बात है, इसमें किसी राजनीति को उसका कोई लेना देना नहीं। मान साहब आओगे, केजरीवाल साहब आओगे, उनसे भी हमारा यही सवाल है, आप स्पष्ट करो यहाँ पे, खट्टर साहब है उनसे भी हमने टाइम मांगे है मिलने का, हुड्डा साहब है उनते भी, 15 सांसद हैं, एक तो भगवान तो प्यारे हो रहे हैं लेकिन 10 जो थे